और अगर जी चरण सिंह, चरण चौधरी चरण सिंह जी, चंदन यादव, शमशेर सिंह यादव जी, नरेश यादव और मिस्टर नवीन जांगड़ा और मैं खुद, हम यहाँ आते हैं और आपके जो नए पदाधिकारी हैं हमारा सम्मान करना चाहते हैं, हम उनका सम्मान स्वीकार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। प्रदेश भर में बार काउंसिल के आह्वान पर बार एसोसिएशन की ओर से सभी जिलों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रेवाड़ी में भी नव निर्वाचित बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को बार रूम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने शिरकत की। चुनाव अधिकारी ने बार प्रधान सहित बार की नव निर्वाचित टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन की टीम ने प्रधान विश्वामित्र यादव, उप प्रधान सुरेंद्र पाल, सचिव मनप्रिय यादव, सह सचिव टार्जन यादव और कोषाध्यक्ष विवेक को चुना। इन सभी नव निर्वाचितों को चुनाव अधिकारी अश्विनी तिवारी ने शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी पद अधिकारियों ने बार के लिए बेहतर काम करने की बात कही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने बार एवं बेंच के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने की बात कही। रेवाड़ी जिला बार प्रधान विश्वामित्र ने शपथ लेते ही दो बड़े फैसले लागू किए, जिसके तहत कई वर्षों से शनिवार को चले आ रहे वर्क सस्पेंड को वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बार एसोसिएशन की ओर से कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं लेने का निर्णय लिया गया। बार प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि लंबे समय से अधिवक्ताओं की ओर से मांग की जा रही थी कि शनिवार को भी अधिवक्ता नियमित रूप से अपना काम जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव कैंपेन के दौरान भी अधिवक्ताओं की ओर से यह मांग रखी गई थी, जिसको देखते हुए शनिवार को वर्क सस्पेंड का फैसला वापस लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर आज के बाद कोई भी फैसला बार की ओर से बंद कमरे में नहीं लिया जाएगा, अपितु सार्वजनिक रूप से सबकी सहमति से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह परिपाटी चली आ रही थी कि बंद कमरे में कोई निर्णय लेकर बार पर थोप दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के 15 दिसंबर को चुनाव हुए थे, उसी दिन शाम को परिणाम भी घोषित कर दिए गए थे। मंगलवार 19 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विमल कुमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने विचार रखे, साथ ही विश्वामित्र यादव नव निर्वाचित बार प्रधान ने भी अपने विचार अधिवक्ताओं के सामने रखे। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ साल से परिपाटियां होती जा रही थी कि जो भी फैसले होते थे वो बंद कमरे होते थे, वो बार के ऊपर थोपे जाते थे, लेकिन मैं अब वो काम नहीं करूंगा। मैं तो जो फैसला होगा, जो भी समस्या होगी, जो बात रखी जाएगी, बार की मीटिंग में रखी जाएगी, इतना ही होगा। आपने जो मुझे स्नेह और प्यार दिया उसके लिए सदा आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। निर्वाचित हमारे प्रधान श्री विश्वामित्र यादव जी, आपने जिस प्रकार अपना संकल्प दोहराया, हम आपके आभारी हैं। और अगर जी चरण सिंह, चरण चौधरी चरण सिंह जी, चंदन यादव, शमशेर सिंह यादव जी, नरेश यादव और मिस्टर नवीन जांगड़ा और मैं खुद, हम यहाँ आते हैं और आपके जो नए पदाधिकारी हैं हमारा सम्मान करना चाहते हैं, हम उनका सम्मान स्वीकार करते हैं। मेंबर्स ऑफ द बार, ऑफिस बीयरर्स हु हैव बीन न्यूली इलेक्टेड by this esteemed bar, it is a great celebration moment for all of us, as you have gone through very tough election. Yesterday when Mr. Vishwamitra ji Yadav came to me, he told that he had been making efforts since August, almost 6 months he had been doing the labor, and I am very happy to note that right at the inception he has called for declaring Saturday as the working day. I extend
heartiest congratulations to Vishwamitra ji, his all of his bearers, Shri Surendrapal Yadav as Vice President, Manpriye Yadav Secretary, Arjun Yadav Joint Secretary, Vivek Yadav Treasurer. At the same time, I extend my best wishes to the new office bearers of Bawal Bar Association, Shri Praveen Yadav, President, Upendra Khatana, Vice President, Madam Kiran Poswal, Secretary, Jaipal Treasurer. And I was delighted to know that one of the members has been declared unanimously elected of Karina Bar. It is a great celebration. One thing I will request again, that one post should, for the next time, be kept reserved for women. To pass the resolution, at least one of the posts should be kept reserved exclusively for women. To do your best in creating good thoughts, good actions, so that the mounting areas of cases, which is touching 5 crores, is tamed. And Rewari District Bar should take a lead in disposal of cases by either way, through mediation, on merits, arbitration, whatever, in Lok Adalat. I request all the members to prepare a list among themselves which matters can be disposed of. For example, in appeals, so many miscellaneous appeals are pending, whereas civil suits have been decided, they can be easily disposed of, and the compounding family disputes can go a long way in reducing the disposal. सबसे पहले तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बार की समय समय पर खबर अच्छे से छापी और जो सही था वही मीडिया ने छापा, इसलिए मेरे तहे दिल से मीडिया का धन्यवाद। और आज बार का मैंने प्रधान पद के ऊपर शपथ ली है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ऐसा पूरे टर्न में ऐसा कोई कार्य ना करूँ जिससे बार की डिग्निटी के ऊपर कोई सवाल उठे। मेरी प्राथमिकता है, सबसे पहले तो मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से बताया है कि महिला अधिवक्ता के लिए क्रैच हाउस और इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरी ये रहेगी नए वकील साथी के लिए सीटिंग की व्यवस्था और कोटा केबिन न्यू बिल्डिंग पे 2 मंजिल ओवर बननी है, उसके लिए परमिशन की कोशिश करूँगा। और जो भी बाहर की मीटिंग में नई समस्या आएगी वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सरकार, मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से एक मीटिंग रखूँगा और डीसी और एसपी, चारों डीएसपी और ज़िले के सभी एसएचओ के साथ एक मीटिंग रखूँगा और उनसे बात करके ये कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई समस्या, कभी ऐसा खतरा ना हो।